दिल्ली में सीए को लेकर हुई हिंसा के बाद यूपी में पुलिस अलर्ट पर है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ में हाई अलर्ट पर है पुलिस। सहारनपुर, अलीगढ़ में भी हाई अलर्ट पर है पुलिस। बुलंदशहर, मेरठ में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके अलावा गाजियाबाद में बैरिकेडिंग कर लोनी बॉर्डर सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर, मेरठ की तस्वीर, जगह जगह पुलिस वाले लोगों से बातचीत करते हुए, कई जगह फ्लैग मार्च निकाला गया और गुजारिश की गई लोगों से कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना ले। अलीगढ़ की तस्वीरें भी आपके सामने, बुलंदशहर और सहारनपुर, तो हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस थानों से निकलकर सड़कों पर है। स्थितियां किसी भी तरह से बेकाबू ना हो जाए, उससे पहले ही स्थितियों को संभालने की कोशिश में और साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं एडीजी प्रशांत कुमार, उनके भी निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली में जो हिंसा का वातावरण देखने को मिला उसका असर पश्चिमी यूपी या दूसरे हिस्सों में नहीं आने पाए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां कल आगजनी हुई दिल्ली में, लगातार आगजनी हो रही है, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम जो हैं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी खुद मौजूद हैं यहां पर, डीएम खुद मौजूद हैं और आईजी भी खुद यहां पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो आ रही है, लगातार पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हम बॉर्डर पर हैं, लोनी बॉर्डर है, और लगातार जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, वो जो है दिल्ली का एरिया है जो पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर यहाँ की जो स्थिति है वो शांतिपूर्वक है। हालाँकि जो आईजी खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो अपील भी कर रहे हैं लगातार लोगों से कि कोई भी प्रदर्शन ना करे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, R9।